request all my friends from the media to please settle down. Our lovely photographers in the front row, please be seated so that the video people can have a good view from the back now. Khawateen o Hazrat, ladies and gentlemen, namaskar aur bahut bahut swagat. Aaj ki is shaam mein main aapka istiqbal karta hoon. I am the host for the evening. Main kai saalon se raat ko radio pe aapko gaane sunata aaya hoon. Main RJ Anmol hoon. Aur kyunki radio aur TV pe mera vaasta hamesha golden era ke gaanon ke saath raha hai. To pata nahi kyun aaj jhoom jhoom ke ghoom ghoom ke mere zehen mein ek gaana baar baar aa raha hai. शैलेंद्र साहब ने कहा कि होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है. हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. कितने गर्व के साथ हम ये कहते हैं कि उस देश के वासी हैं जहाँ वो पावन गंगा बहती है. कितने जोश के साथ हर भारतीय यह कहता है कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ वो विशाल ताजमहल है. कितना खुशी महसूस होती है जब हम ये कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जहां वो बंगाल टाइगर है जिसकी गरज पूरी दुनिया में मशहूर है. और हम उस देश के वासी हैं जहां भाषाएं अनेक है लेकिन भारत एक है. और क्या खूबसूरत मंजर इस वक्त मैं देख रहा हूं यहां स्टेज के ऊपर. बिकॉज हियर वी हैव अ लेजेंड जो गंगा की तरह पावन है, जिनकी शख्सियत ताजमहल की तरह विशाल है, जिनके किरदार अनेक हैं लेकिन एक्टर एक है, और उनकी आवाज की गरज पूरी दुनिया भर में मशहूर है. और इसलिए पूरी दुनिया के हर कोने में हर भारतीय दिल चौड़ा करके कहता है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में अमिताभ बच्चन रहते हैं. सो व्हाट अ प्लेजर, व्हाट एन ऑनर टू शेयर द स्टेज विद यू टुडे एंड टू वेलकम यू. मे आई प्लीज फर्स्ट रिक्वेस्ट ईपी पांडे जी टू कम अप ऑन द स्टेज विच some beautiful flowers to honor Bachchan Saab. Oh, a beautiful photo up there. Thank you. E.T. Pandey, who's IRTS officer 1995 batch, a great runner, and of course, with another beautiful bouquet, we would like to request on stage well-known advocate, social worker who runs the NGO Run Summer, Abha Singh Ji, welcoming Mr. Bachchan on the stage. Thank you, E.T. Ji. Thank you, Abha Ji. और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि बड़े गर्व की बात है आज मेरे लिए यहाँ स्टेज पे रहना, और बिल्कुल उतने ही गर्व की बात है उस लड़के के लिए जो इलाहाबाद में जन्मा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की, फिर उन गलियारों से निकलता हुआ 1993 बैच IRS, और फिर एक डायनामिक पर्सनालिटी बनकर आगे निकलकर ही बिकेम द इनकम टैक्स कमिश्नर. लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आज चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें वीरेंद्र ओझा जी का. जब वीरेंद्र जी, एक छोटी सी मैं एक बात सबसे शेयर करना चाहूंगा. जब मैं इनसे पहली बार मिला तो मेरे जहन में इनकी वो छवि इनकम टैक्स कमिश्नर की बड़ी हावी थी, लेकिन 10 मिनट के अंदर अंदर ही वो छवि बड़ी धुंधली हो गई. क्योंकि जो ये फिटनेस फ्रीक हैं और जो ये रनर हैं, जो ये पिछले साल साउथ अफ्रीका में 87 किलोमीटर की मैराथन पूरी करके ब्रॉन्ज मेडल जीते, वो इनकम टैक्स कमिश्नर को पीछे छोड़ के वो फिटनेस फ्रीक वीरेंद्र ओझा बहुत ही जल्द रेस में आगे बढ़ गए. और इन्हीं बातचीत के बीच में ये कभी कभी दो तीन बड़ी प्यारी कविता करते थे. मैंने पूछा, वीरेंद्र जी, ये कविता जो आप कह रहे हैं ये किनकी लिखी हुई लाइन है? तो जनाब ने बताया कि ये इन्हीं की लिखी हुई लाइन है. और बहुत ही जल्द वो कवि वीरेंद्र जो हैं, उन्होंने उस इनकम टैक्स कमिश्नर वीरेंद्र ओझा, उस फिटनेस फ्रीक वीरेंद्र ओझा को बहुत पीछे छोड़ दिया. एंड दैट्स द रीजन वी ऑल आर हियर टुगेदर to share this lovely, beautiful book written by Virendra Ojha ji, Kuch, Shabd Mere. Ek baar zordaar taaliyan ho jaye for this beautiful moment here. A dream coming true for you, Virendra ji. Aur isse pehle ki main ek ke baad ek daawat doon, we have some very special people here.
who would like to talk on the stage. But Virendra ji, ye kaise ho sakta hai ki aap bhi stage pe hain, Bachchan saab aapki is kitab ko kuch panne palat rahe hain. Why not you also welcome Bachchan saab here on the stage with this beautiful bouquet of flowers here. And a beautiful photo op here for all our friends. Bhai taaliyan wale agar rahe to zara maza aayega. Ye hui na baat. Kya baat hai.